नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में करते हैं सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ। जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आज है विश्व बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण और उनकी विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद मुर्मू से मिलने पहुंचे स्मृति ईरानी और अमित शाह। सेना भर्ती में आने वाले युवाओं को लगाई जाएगी बूस्टर डोज, प्रशासन ने लिया फैसला। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। ईडी की रेड के बाद अर्पिता की चार कारें गायब, गाड़ियों में भी कैश होने की आशंका। नागपुर के उमरेड में 11 साल की बच्ची से 9 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की जांच के दौरान हुआ पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर SC ST के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की तो हो जाएगी जेल, केरल हाईकोर्ट का फैसला। देश में कोरोना के 20,409 नए मामले, तो वहीं 47 हुए संक्रमित। मुंबई में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए BMC बंद करेगा अपने सभी जंबो केंद्र। पीएम मोदी ने बकिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत पर भारतीय दलों को दी ढेर सारी शुभकामनाएं।